जीत सर, कैसा मैनेजमेंट है सर आपका? ये पिछले 4-5 घंटे से एथलीट पीछे वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये लोग जाके जजेस सारे अपना लंच रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। तो मनीष गांधी पाजी विच मीन्स IHFF ने मेरे को लीगल नोटिस भेजा है डेफोमेशन का और मुझसे मांगे हैं 20 करोड़ रुपए। आप बीच में खड़े हो जाइए, सेंटर में बराबर, और उसके साइड में एथलीट्स डिस्टेंस लेके खड़े हो जाइए। मनीष गांधी ने तरुण गिल के ऊपर लगाए मानहानि का केस, तो तरुण गिल ने क्या रिप्लाई किया इसका कंप्लीट वीडियो हम लेके आ चुके हैं। एंड हिमांशु शर्मा ने HSF एक्सपो को एक्सपोज किया एंड HSF एक्सपो में टॉप 10 बॉडी बिल्डर कौन से आए इसकी कंप्लीट लिस्ट हम लेके आ चुके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं भुवन चौहान। भुवन चौहान कनाडा से रवाना हो गए इंडिया के लिए, वो इंडिया के लिए निकल चुके हैं, कल 11 जून को वो इंडिया आ जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि भुवन चौहान सेरू क्लासिक में उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं भुवन चौहान अपडेट देते हैं कि जो उनकी फ्लाइट है वो डिले हो गई है। एंड दूसरी पिक में आप पासपोर्ट देख सकते हैं, मतलब कि कन्फर्म है कि भुवन चौहान इंडिया के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या भुवन चौहान इस बार अगेन सेरू क्लासिक में प्रोसो जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड की पिक शेयर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी कंप्लीट बॉडी रिप्ड दिख रही, बॉडी की कंडीशन टॉप नॉच में दिख रही। एंड इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना पीक वीक स्टार्ट कर दिया है। इस पिक के नीचे कैप्शन में अपडेट देते हैं कि जो मेरी अभी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है वो फ्लैट साइड में दिख रही। एंड वो आप सभी से वादा करते हैं कि जब मैं इस बार ऑन स्टेज अपनी बॉडी लेके आऊंगा तो पिछले वाली प्रेप की अपेक्षा, मतलब पिछले वाले शो की अपेक्षा, इस बार जो उनका बॉडी का जो साइज रहेगा वो डबल रहेगा। एंड वो इसके आगे कहते चाहे मैं जीतूं या हारूं इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरी प्रोग्रेस हुई है उससे मैं संतुष्ट हूं। तो आप लोगों को हरविंदर सिंह की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या इस बार हरविंदर सिंह फाइनली प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं सुंदरम। सुंदरम भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस वीडियो एंड कुछ पिक शेयर करते हैं और इसमें वो हमको अपडेट देते हैं कि उनका भी पीक वीक स्टार्ट हो गया, अभी वो कार्ब डिप्लेटेड मोड में चल रहे हैं, मतलब कि जीरो कार्ब में चल रहे हैं। वो बुधवार से अपनी कार्ब लोडिंग स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पर उनकी कुछ पिक देख सकते हैं। वो यहाँ पर लिखते हैं डेथ फेस, आप यहाँ पर इनकी फ्रंट कंडीशन एंड बैक की कंडीशन देख सकते हैं कि बॉडी में सप्रेशन एंड मसल कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही, प्लस आप यहाँ पर फाइबर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार सुंदरम हरविंदर सिंह अभिषेक यादव रवि पवार इनको बीट करके क्या ये प्रो कार्ड के बड़े दावेदार साबित हो पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं तरुण गिल। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तरुण गिल अपडेट देते हैं कि IHFF या फिर मनीष गांधी की तरफ से इनको मानहानि का केस इनके ऊपर दर्ज किया गया और मानहानि के लिए इनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की गई एंड और क्या क्या शर्तें रखी गई, यहाँ पर तरुण गिल डिटेल पूर्वक बता रहा है। एंड फिर तरुण गिल ने क्या रिप्लाई किया मनीष गांधी को, उसको सुन लेते हैं। तो मनीष गांधी पाजी विच मीन्स IHFF ने मेरे को लीगल नोटिस भेजा है डेफोमेशन का और मुझसे मांगे हैं 20 करोड़ रुपए कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया उनका जिसमें मैंने उनका एस्टिमेशन दिया उनके बिजनेस मॉडल का कि वो 48 करोड़ रुपी साल के कमा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई उस वीडियो से उनको बहुत लॉस हुआ है, उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, उनके बिजनेस को सफ़र हुआ है, तो वो मुझसे 3 चीज़ें चाह रहे हैं। ए कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँ, दूसरा पब्लिक अपॉलोजी करूँ, माफ़ी मांगूँ, और तीसरा उन्हें 20 करोड़ रुपये दूँ। मैंने तो अपना लीगल नोटिस उनको वापस भेज दिया अपना जवाब, पीछे उन्हें लगता है कि वो ऐसे मुझे लीगल नोटिस भेज भेज के मेरे को एथलीट की वॉइस को चुप करा देंगे और मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, आई विल फाइट फॉर फकिंग ऑल द एथलीट्स। हाँ, रहा सवाल आप मेरे जवाब का, तो सुन लो, कान खोल के सुन लो। पहली बात, वीडियो डिलीशन नहीं होगी बिकॉज वो एक एस्टिमेशन था। आपके पास अगर एक्चुअल फिगर्स हैं मुझे दिखा दो, प्रूव मी रॉन्ग। मैं तो वही कह रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू, अगर आपको लगता है 48 करोड़ का आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप पब्लिक डोमेन में असली नंबर्स दिखा दो, वीडियो डिलीट करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, पब्लिक अपॉलॉजी, अपॉलॉजी तो आपको मांगनी चाहिए गांधी साहब, बिकॉज आप एथलीट से इतना पैसा ले रहे हो, कुछ तो प्राइज मनी दो। और रहा सवाल 20 करोड़ का, यहाँ भी आपने पैसों की बात कर दी यार, कुछ तो एथलीट्स के बारे में सोचो, कुछ तो सोचो।
अब हम HSF एक्सपो के विषय में बात कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं प्रशांत कौशिक ये खेल रहे थे क्लासिक डिवीजन से और ये टॉप 10 में सेलेक्ट हो चुके हैं। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है डियोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच में खड़े हैं उनका नाम है डियोन और जो इनकी फिजिक है इनके आसपास के कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो एकदम एडवांस लेवल पे है। तो आप लोग क्या लगता है क्या कल डियोन गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी मतलब कि ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हिमांशु शर्मा जी सलाल या फिर HSF एक्सपो को किस प्रकार से एक्सपोज करते हैं या फिर वो उनके मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में क्या कहते हैं उसको सुन लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डर एंड कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। हेलो सर। जीत सर कैसा मैनेजमेंट है सर आपका? ये एथलीट पीछे भूखे प्यासे खड़े हैं पिछले 3-4 घंटे से। सही बात है जी। और ये जजेस लोग जाके अपना लंच कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, पागल है क्या ये एथलीट सर? यस आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर जीत सर। पिछले 4-5 घंटे से एथलीट पीछे वहां ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये लोग जाके जजेस सारे अपना लंच रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। 10 बजे का शो शुरू करने का बोला था, 5:30 बज चुके हैं। इतना घटिया मैनेजमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सुबह 10:30 का इन्होंने टाइम दिया हुआ था आज का कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से, एथलीट स्टेज पे आ जाएंगे। मेरा ना विश्वास करना, मेरा भाई कम्पीट करा था 5 बजे स्टेज पे चढ़ा है 5 बजे और ये लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे उनको अनाउंस करके कि नेक्स्ट कैटेगरी स्टेज पे बुलाने वाले हैं और फिर जजेस लोग 1.5 घंटे के लिए अपना लंच वगैरह पे चले गए हैं 1.5 घंटे लिए। एथलीट पीछे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा और बैक स्टेज खड़ा है ट्रेनिंग करा के। इतना घटिया यार, पैसे चाहिए तुम लोग वैसे ही मांग लेते यार, बंद कर दो भाई। इससे बढ़िया इतना 10x10 का टेंट होता है वहाँ, कंपटीशन अच्छे होते हैं। आपका ट्रंक नंबर नहीं कॉलम हुआ है, आप पीछे ट्रंक नंबर 136, ट्रंक नंबर 125, ट्रंक नंबर 267, ट्रंक नंबर 140, 140, ट्रंक नंबर 101, ट्रंक नंबर 159, ट्रंक नंबर 132, ट्रंक नंबर 225, ट्रंक नंबर 138,